हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दिस आई मेकअप लुक। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप। अगर आपको देखना है हाउ टू गेट दिस लुक, देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग एंड ऑल्सो यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज फॉर मोर अपडेट। सो लेट्स स्टार्ट विद टूडेज वीडियो। तो सबसे पहले जो पैलेट मैं यूज कर रही हूँ विच इज फ्रॉम बी परफेक्ट, दिस इज माई अल्टीमेट फेवरेट एक पैलेट। इसमें आपको कलरफुल बहुत सारे कलर्स मिल जाएगा। सो द फर्स्ट कलर इज ए काइंड ऑफ ब्राउन ऑरेंजी कलर्स, जिसको मैं एज ए ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपने क्रीज पे एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश के हेल्प से। तो इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्रीज पे एंड सॉफ्ट सा मैं लुक दूंगी। सो एज यू कैन सी दिस विल बी आवर क्रीज कलर और ट्रांजिशन कलर। इसके बाद जेल आईलाइनर यूज करूंगी, दिस वन इज फ्रॉम नाइका। सो इसको मैं एक एंगल ब्रश में लेके आउटर वी पे अप्लाई कर रही हूँ सबसे पहले। सो काइंड ऑफ आई शेप को मैं मेंटेन करूंगी यहाँ पे। सो स्टार्ट करूंगी आउटर पोर्शन से एंड देन धीरे धीरे हम लोग सेंटर लीड तक लाएंगे। सो आउटर वी पे मैं शेप क्रिएट करूंगी आई शेप एंड देन मैं थोड़ा सा फिल इन करूंगी ओनली आउटर वी पोर्शन को। सो यहाँ पे आप चाहो तो एक स्टिकी टेप भी अप्लाई कर सकते हो, इससे आपको शार्प एजेस मिल जाएगा आउटर वी पे। रिसेंटली कुछ मेडिकल इश्यूज की वजह से मैं बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रही हूँ। मैं अभी थोड़ा रेस्ट पे हूँ बट बहुत जल्दी मैं फिर से रेगुलर हो जाऊंगी, डोंट वरी। सो रेगुलर वीडियो आने लगेगा फिर। नेक्स्ट यहाँ पे जो येलो शेड है उसको फ्लड ब्रश की हेल्प से फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई करूँ, बट एज यू कैन सी ये डायरेक्ट अप्लाई करने से बहुत ज्यादा पॉप नहीं हो रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे पहले कंसीलर अप्लाई कर लूंगी फ्रंट सेक्शन पे। सो ये आपको एक बेस की तरह काम करेगा। और मैं मैट शेडो अप्लाई करूँ, दैट्स वाई मैंने इस कंसीलर को सेट नहीं करूंगी। एंड इसके बाद मैं फिर से येलो शेड को अप्लाई करूँ एंड यू कैन सी राइट कितना अच्छा पिगमेंटेशन मिल रहा है यहाँ पे। सो आप बेस शेडो आप अप्लाई करते हो तो कलर बहुत ज्यादा पॉप आउट होता है, बट हर एक कलर कंसीलर बेस के ऊपर नहीं पॉप करता है। कुछ कलर ऐसा भी होता है जो डार्क बेस के ऊपर ज्यादा पॉप करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो ऑरेंज शेड है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ ब्लैक एंड येलो शेड के बीच में। सो काइंड ऑफ ये एक रेडिएशन क्रिएट करेगा फ्रॉम येलो टू ऑरेंज एंड देन ब्लैक। उसके बाद मैं फिर से येलो शेड को थोड़ा सा अप्लाई करके दोनों शेड को अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक शेड ले रही हूँ और ब्लैक शेडो को मैं ऑरेंज एंड ब्लैक शेडो के बीच में अप्लाई करूँ थोड़ा सा अच्छे से स्मूथ ग्रेडिएशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट मैं आउटर वी पे थोड़ा सा कंसीलर अप्लाई करूँ शार्प एजेस देने के लिए, थोड़ा सा क्लीन लुक देने के लिए। एंड इसके बाद मैं लोअर वाटर लाइन पे अप्लाई करूँ सेम जेल आईलाइनर को एज माई काजल एंड सेम जेल आईलाइनर को मैं अपर लैश लाइन के क्लोज क्लोज भी अप्लाई करूंगी, जस्ट लैश लाइन के क्लोज क्लोज लाइन करने के लिए। बहुत ज्यादा थिक नहीं अप्लाई करूँ एज यू कैन सी। एंड पॉइंटेड इनर कॉर्नर भी क्रिएट की हूँ सेम जेल आईलाइनर के साथ। इसके बाद मैं ऑरेंज शेडो को अप्लाई कर रही हूँ लोअर लैश लाइन पे एक स्ट्रेट फ्लैट ब्रश के हेल्प से, जस्ट लैश लाइन के क्लोज क्लोज। एंड येलो शेड को मैं फ्रंट सेक्शन पे अप्लाई कर रही हूँ एंड इसके बाद मैं थोड़ा सा ब्लैक भी अप्लाई करूंगी जस्ट आउटर साइड में लोअर लैश लाइन के। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ पिगमेंट प्ले का ग्लिटर। सो ये काफी अच्छा एक पैलेट है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस पैलेट। इसमें काफी सारा आपको ग्लिटर्स मिल जाएगा, ये प्रेस्ड ग्लिटर है। सो इसमें से जो ऑरेंज ग्लिटर है उसको अप्लाई कर रही हूँ सेंटर लीड पे ऑरेंज शेडो के ऊपर। सो आप चाहो तो इस स्टेप को स्किप कर सकते हो, दिस इज टोटली ऑप्शनल। विदाउट दिस ऑल्सो बहुत अच्छा लगेगा आई मेकअप। एंड इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूँ, दिस वन इज फ्रॉम मैक। सो ये भी मुझे काफी अच्छा लगता है ये प्रोडक्ट। सो अपर एंड लोअर लैशेस पे अच्छे से कोट कर लूंगी एंड इसके बाद हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज फ्रॉम मेबलिन। सो दिस इज इन द शेड मोल्टन गोल्ड, बहुत फेवरेट एक हाइलाइटर है मेरा। सो मैं इनर कॉर्नर एंड ब्राउ बोन को हाईलाइट कर लूंगी विद दैट हाईलाइटर। एंड इसके बाद मैंने फोर्स आई लैशेज अप्लाई किया है, दिस वन इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी इन द वेरियंट वैम्प, बहुत अच्छा वेरियंट है। एंड दिस इज द फाइनल फिनिश लुक। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा आज का आई मेकअप। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज। एंड ऑल्सो जो भी प्रोडक्ट यहाँ पे यूज की हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा।